नमस्कार, मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी। बहुत लोगों ने पूछा है कुछ बताने के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आप कहेंगे पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में हमारे तो सब कुछ सब जानते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाने की जरूरत क्या है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि पांच मुखी रुद्राक्ष जो मार्केट में मिलते हैं उसमें मेजोरिटी जो है फेक है। क्यों? पांच मुखी रुद्राक्ष जो जब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटे वाले चिकने दाने वाले कहते हैं, ज्यादातर नकली होते हैं। नकली किस ढंग से? प्लास्टिक के होते हैं क्या? हो सकते हैं। लेकिन बेर के छोटे वाले जो बीज होते हैं उससे ज्यादातर बनाए जाते हैं, उनको रंगा जाता है, रंग से उसको रंगीन कर दिया जाता है और उसको धागे में पिरो के मार्केट में बेचा जाता है। खतरा क्या है? आप जानते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे आप बैठ के ध्यान करेंगे, जिस वृक्ष का फल खाएंगे, उसके अनुसार आपका शक्ति में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी। बेर एक ऐसे खतरनाक पेड़ है जिसके नीचे बैठ के ध्यान करने से आपकी शक्ति को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो यदि बीज बेर का पेड़ का हो, उससे ये माला बना हो जप करने का, उसको आप हाथ में लेके माला फेरते हैं तो होता क्या है, आप धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं क्योंकि आपकी शक्ति को ये बीज खींच लेते हैं। आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा मैं तो जप करता हूं डेली, बीमार क्यों पड़ रहा हूं मैं, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। लेकिन अनजाने में आप ये गलती करते हैं कि आप बेर के बीज से बने हुए जपमाला का इस्तेमाल करते हैं और इससे अपने शरीर की क्षति पहुंचाते हैं। आपके शरीर और मन दोनों ही क्षीण होने लगते हैं, एनर्जी कम होने लगता है। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि आप पांच मुखी जो जपमाला इस्तेमाल करते हैं ये रुद्राक्ष ही हो। यदि आप पांच मुखी जपमाला का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात, जिस जपमाला से आप जप करेंगे घर में और कोई भी उस जपमाला का इस्तेमाल नहीं करेगा, एनर्जी कॉन्टेमिनेशन की बात मैं कर रहा हूं। तो दूसरा व्यक्ति भी उस जपमाला का इस्तेमाल करता है तो उस व्यक्ति का एनर्जी भी उसमें ट्रांसफर हो जाता है। जब उस जपमाला को आप इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जी कॉन्टेमिनेशन हो जाएगा। तो जिसका जपमाला वही इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, यदि जब माला का आप इस्तेमाल करते हैं, जब करते हैं जिस माला से, उसको पहनिएगा मत। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब माला को एक माला पहन लेते हैं, उसको जब मन करता है उतार लेते हैं, फिर उसके जब करते हैं, फिर उसको गले में डाल लेते हैं। जिस माला से आप जब करते हैं उसको गले में धारण नहीं कर सकते हैं, गले में नहीं पहन सकते हैं। जिस पांचमुखी माला को आप पहनते हैं उससे आप जाप नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखें। और एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जप माला में 108 रुद्राक्ष होते हैं और उसके ऊपर की तरफ एक रुद्राक्ष होता है जिसको कहते हैं बिंदु। अगर जप करते हैं तो उसको हाथ में पकड़ के जो रुद्राक्ष है अपनी तरफ खींचे, बाहर की तरफ नहीं। कुछ धर्मों में उसको बाहर की तरफ ऐसे फेरा जाता है, लेकिन हिंदू संस्कृति में उसको अंदर की तरफ फेरा जाता है अंतर्मुखी होने के लिए। ईश्वर अंदर है, हम अंदर की बातें करते हैं, बाहर की बातें नहीं करते। तो जो मनके होते हैं, जो रुद्राक्ष बीड्स होते हैं, उसको अपनी तरफ खींचना चाहिए। रुद्राक्ष का जब करते समय ये अंगुली, इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये दोनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप रुद्राक्ष को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे जब करेंगे, इसको अलग रखेंगे। इसलिए आप देखा होगा कि जब माला जो जब करने के लिए जो एक बैग टाइप का आता है उसमें ये दो उंगली को फंसा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप जाप करेंगे, इस प्रकार से आप जाप करेंगे, ऐसे ऐसे जाप करेंगे। जब जाप करके आप एक राउंड खत्म कर लेंगे, बिंदु को क्रॉस नहीं करना है, मतलब एक साथ में आप दो माला जप नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाता है एनर्जी, उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो एक राउंड खत्म करेंगे तो उसको डायरेक्शन को आप उल्टा कर दें, चेंज कर दें। एक वीडियो इसमें है, इसी चैनल में है कि जप माला का इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज द जप माला। आपने देखा नहीं है तो उसको जरूर देखें। तो उसी प्रकार से जप माला का इस्तेमाल करना चाहिए, जो जप माला को पहनते हैं उसे जप ना करें, जिसे जप करते हैं उसको ना पहने, बिंदु को क्रॉस ना करें। यदि आप रुद्राक्ष पंचमुखी माला को पहनते हैं गले में, तो मैंने देखा है कुछ लोगों को जो 108 नीचे हो गए
ऊपर में जो बिंदु होता है वो बिंदु के पास में कुछ धागे निकले हुए होते हैं, वो क्या करते हैं वो गले में ऐसे पहन लेते हैं कि बिंदु नीचे की तरफ रहता है। एकदम गलत है, आप ऐसे पहनेंगे तो आपका हेडेक हो सकता है, शक्ति का आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है एनर्जी में। ये जो बिंदु होता है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, आपके गले के पीछे, गले के आपका जो मेरुदंड है जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ईड़ा पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, तो ये दोनों नाड़ियों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो आपका है, ये आपका जो बैक है, बैक का इस पोर्शन में जो होता है यहाँ आपका बिंदु लगना चाहिए, वो रहना चाहिए, बिंदु का स्थान वहां वहां है, न कि उसको उल्टा छाती के ऊपर। तो माला को ठीक से पहने, अगर यदि उल्टा पहनेंगे बिंदु यदि नीचे रहेगा तो एनर्जी का ह्रास होगा और एनर्जी आपको डिस्टर्ब होगी। बिंदु ऊपर रहे, यहां रीढ़ की हड्डी के सेंटर में रहे, वो है उसका स्थान, वैसा पहनने से ही आपको रुद्राक्ष माला पहनने का फायदा मिलेगा। ज्यादातर लोग पांच मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, छह मुखी, आठ मुखी, दस मुखी रुद्राक्ष की माला ज्यादातर नहीं पहनी जाती है, अनलेस यू आर डूइंग सम तंत्र साधना या स्पेसिफिक आप कुछ कर रहे हैं। तो जनरल स्वास्थ्य के लिए आपके यदि बृहस्पति ठीक नहीं है चार्ट में, या ठीक है आप उनको और बैलेंस करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में आपका और मन लगाना चाहते हैं, मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए भी पांच मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पांच मुखी का आप 108 ही पहने, बीड्स पहने, आप एक भी पहन सकते हैं। जैसे नेपाल के आते हैं पांच मुखी के थोड़े बड़े साइज के आते हैं, उसको एक भी आप धारण कर सकते हैं, यदि उसको आप हाथ में पहनना चाहते हैं तो उसको आप अपने बाएं हाथ में पहने, लेफ्ट हैंड, इफ यू आर राइट हैंडेड पर्सन लेफ्ट हैंड, मतलब इससे राइट हैंड से काम करते हैं ना, तो बाएं हाथ में पहने। क्यों? फाइव मुखी मतलब फाइव इज ऑड नंबर, ऑड मुखी रुद्राक्ष को बाएं हाथ में पहनना चाहिए और इवन मुखी रुद्राक्ष को दाहिने हाथ में पहनना चाहिए, इसको आप ध्यान रखें। रुद्राक्ष पहन यदि आप पहनते हैं तो रुद्राक्ष पहनकर स्नान ना करें। इसमें क्या होता है कि आप साबुन शैंपू अगर लगाते हैं तो रुद्राक्ष ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। रुद्राक्ष को किस प्रकार से पहनना चाहिए, क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, यह हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं, शेयर करें। आगे चल के हम बात करेंगे छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में, छह मुखी से लेके हम धीरे धीरे 17 मुखी रुद्राक्ष तक बात करेंगे।